सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पोपाई राइडर। सो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मस्त मौज में। सो फाइनली आज हम अपनी बाइक के अंदर लगाने वाले हैं क्रैश गार्ड। सो ये मेरी कोई R15 नहीं है, ये एक न्यू बाइक है जो मेरे कज़न ने ली है। तो उसके अंदर थोड़ा सा हम क्रैश गार्ड लगाने वाले हैं। तो ये कुछ नए स्टाइल का क्रैश गार्ड है, आपने मार्केट में 2-3 तरीके के क्रैश गार्ड देखे होंगे, बट ये वाला कुछ अच्छी फिटिंग वाला और कुछ स्पोर्टी लुक देता है बाइक को। तो चलते हैं फिर बाइक के पास, मैं आपको पहले बाइक का लुक दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्रैश गार्ड लगा के। सो भाई, दिस इज पल्सर NS200 जो कि है BS6 मॉडल। सो बाइक जो है रेड कलर की है और ये मेरा कज़न है। हेलो ब्रदर, की हाल चाल? कैसे हाल चाल? तो भाई की बाइक है, तो भाई का फ़ोन आया था कि सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा क्रैश गार्ड लगवाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाइए करोल बाग में। तो ये वाला क्रैश गार्ड इसके अंदर लगाने वाले हैं। ये अपना भाई, कौन हो आप? अबे कौन है तू? क्या बोला तूने? सूर्या भाई अपना। Boys, relax, relax. तो ये लगाएगा इसके अंदर ये वाला क्रैश गार्ड। आपको इसकी लुक दिखाता हूँ, कुछ अलग लुक है इस क्रैश गार्ड की। मार्केट में 2-3 तरीके के हैं, पर ये वाला क्रैश गार्ड बहुत अलग है। तो इसको हम इसके अंदर करेंगे इंस्टॉल। अभी बाइक बिल्कुल न्यू है भाई, मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है। तो इसको इसके अंदर फिट करेंगे और मैं आपको क्रैश गार्ड की लुक दिखाता हूँ कैसी आ रही है। तो भाई मार्केट में 2-3 तरीके के क्रैश गार्ड आते हैं। एक तो इस टाइप का आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। एक इस टाइप का क्रैश गार्ड आता है जो इसमें ऐसे करके फिट होता है, ठीक है, ये हट जाता है जो लोहे वाला कंपनी फिटिंग होता है, ये ऐसे करके पूरा फिट हो जाता है। तो इसकी लुक कुछ ऐसी आती है, बट ये वाला कुछ स्पोर्ट्स वाला अपना क्रैश गार्ड है, इसकी फिटिंग जो है थोड़ी अलग आती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फिटिंग जो है ना डाउन में ही रहती है, सिर्फ रेडिएटर तक इसकी फिटिंग आती है और पीछे तक आती है। तो इसका लुक थोड़ा स्पोर्टी लगता है और अलग लगता है। तो एक बार इसको लगाते हैं और इसकी मैं आपको पूरी फिटिंग दिखाता हूँ। तो पहले इस वाले को उतारते हैं और उसे लगाते हैं। तो भाई दिस इज़ द क्रैश गार्ड। भाई लुक देख लो यार, एकदम जेन्युइन फिटिंग है प्रॉपर। इसकी पेंट क्वालिटी आप चेक कर सकते हो कैसी आ रही है भाई। तो इसको खोलते हैं और लगाते हैं अपनी NS200 के अंदर और बाइक का ओवरऑल लुक भाई अलग हो जाएगा। तो इसको फिट करते हैं ज़रा। तो भाई इसके लिए हमें यहाँ की जो फिटिंग वगैरह थोड़ी खोलनी पड़ती है, वहाँ का एक फिटिंग जहाँ पे मेन कंपनी लगाया गया था वो अलग खोल दिया है और यहाँ से फिटिंग खोल दी है। अब ये प्रॉपर नट टू नट इसमें आएगा और नट टू नट फिट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर नट टू नट आ रहा है और बोल्ट टू बोल्ट फिट हो रहा है। ये देखिए पूरा नट टू नट आ गया ना, एक नट यहाँ लग जाएगा, एक नट वहाँ लग जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे इसके स्लाइडर्स लग जाएंगे। तो प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी पूरी इसकी। सो भाई इस साइड का अपना प्रॉपर फिट हो चुका है। एक बोल्ट यहाँ लगा है, ठीक है, दूसरा बोल्ट यहाँ लगा है और तीसरा बोल्ट यहाँ लगा है। तीन बोल्ट पे पूरा फ्रेम तैयार हो गया है। यहाँ से इंजन प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ से पूरा रेडिएटर प्रोटेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो अब चलते हैं अपोजिट साइड पे और अपोजिट साइड की फिटिंग करते हैं। सो बारी अब दूसरी साइड की भाई। तो सेम जो अपने गियर के ऊपर एक बोल्ट होता है, एक वो खुलेगा, एक यहाँ का बोल्ट खुलेगा और एक इस साइड का बोल्ट खुलेगा। तो सेम फिटिंग यहाँ की भी आएगी। तो यहाँ की प्रॉपर फिटिंग करते हैं और फिर ओवरऑल लुक देखेंगे बाइक का 360 कैसा लुक आ रहा है। तो भाई ये दूसरी साइड की प्रॉपर फिटिंग आ गई है। यहाँ पे एक बोल्ट कस गया है, एक बोल्ट वहाँ कस गया है और यहाँ कस गया है। और ये मजबूती देख लो भाई साहब, ये देख रहे हो पूरी बाइक वाइब्रेट हो रही है पर ये वाइब्रेट नहीं हो रहा। तो काफ़ी अच्छी इसकी लुक है और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। यहाँ से भी सेम इसने इसको कवर कर लिया है और इंजन को कवर कर लिया। अब यहाँ पे इसमें स्लाइडर लगेगा और दूसरी साइड इसमें स्लाइडर लगेगा। तो इसमें स्लाइडर लगाते हैं और मैं आपको ओवरऑल इसका लुक दिखाता हूँ। तो भाई ये इसके साथ स्लाइडर मिलता है और भाई साहब इसकी आप
ब्रेथ देख सकते हो, मेरे ख्याल से 3-4 इंच ही तो होगा, और इसका हैवी क्वालिटी का है भाई एकदम। सो प्रॉपर यहाँ पे फिट हो जाएगा, बोल्ट आपको इसके अंदर ही मिलेगा, इसकी पूरी फिटिंग आपको इसके क्रैश गार्ड के पैक के अंदर ही मिलेगी। और फिटिंग करने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, जिससे आप इसको देख के फिट कर सकते हो। सो प्रॉपर ये फिट हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो है टैंक से भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है क्रैश गार्ड, तो कभी भी अगर बाइक फुल होगी तो ये क्रैश गार्ड उसे सेव कर लेगा। तो यही सेम चीज़ उस साइड लगाते हैं, इसके अपोजिट साइड पे दूसरी साइड का है स्लाइडर, अपना पूरा सेट हो रहा है भाई। कुछ ओवरऑल अगर मैं आगे से आपको लुक दिखाऊँ ना भाई, तो अगर हैंडल सीधा करके हम देखें तो भाई कुछ ऐसी लुक लग रही है आगे से, देख रहे हो साइड से कैसे दिख रहे हैं आगे क्रैश गार्ड आपको। काफ़ी स्पेस है टैंक के बीच में और क्रैश गार्ड के बीच में। फुल होने पर बहुत कम चांसेस है कि आपकी बाइक पे स्क्रैचेस वगैरह आए, तो पूरा इसे फिट करके मैं आपको इसका एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ। सो प्रॉपर अपनी बाइक के अंदर भाई पूरा क्रैश गार्ड फिट हो गया है, फ्रंट से आप देखिए एंड इस साइड का व्यू आप देखिए भाई साहब, यहाँ से पूरी फिटिंग आ रही है प्रॉपर, ठीक है। वहाँ पे आपको स्लाइडर भी नज़र आ रहा होगा। दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी साइड का स्लाइडर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और ये रही इसकी प्रॉपर फिटिंग। तो बात करते हैं, अगर आपको ये मंगाना है तो आप इसे कोरियर करके भी अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं, उसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाके आप व्हाट्सएप पर जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसका प्राइस आप पूछ सकते हैं। तो NS200 अपनी पूरी तैयार हो गई है, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। सो गुड बाय।